अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट विच इज प्रेजेंटेड बाय कैडबरी पेप्सी सर्फ एक्सेल एंड सेंसोडाइन। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में 2 में से 2 मैच जीत चुका है। अगला मैच जुमे को अफगानिस्तान के साथ होगा और ये मैच बड़ा ट्रिकी हो सकता है पाकिस्तान के लिए। इस पर तो बात करेंगे, लेकिन जो ऑफ फील्ड कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही हैं उस पर आज खास तौर पर प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि एक वक्त था जब कहा जाता था कि जब आप गेम खेलने जाते हैं, जब आप मैदान में होते हैं तो बहुत ही हीटेड एनवायरनमेंट होता है और वहां पे आप मैच जीतने के लिए खेल रहे होते हैं और कभी हीट ऑफ द मोमेंट में आप एक दूसरे को स्लेजिंग भी करते हैं, बुरा भला भी कह देते हैं। लेकिन ये प्लेयर्स कहते थे कि जब हम बाहर आते हैं तो फिर हम दोस्त होते हैं, बातचीत भी करते हैं। लेकिन अब उलट हो रहा है, अब सोशल मीडिया के दौर में हम देख रहे हैं कि क्रिकेटर्स का आमना सामना हो रहा है, टेलीविजन पे बहस हो रही है क्रिकेट को लेकर और ऐसा लग रहा है जो हीट है वो मैदान के अंदर कम है, मैदान के बाहर ज्यादा है। तो उस पर भी हम बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इंजी भाई मौजूद हैं, मुशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सोहेल तनवीर साहब आज खूबसूरत लाल जूतों में हमारे साथ हैं। कैसे आप खरीदते हैं? और आज हमारे स्पेशल मेहमान हैं अली अंसारी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। खैरियत से आप? बहुत बहुत मुबारक हो, रंग महल आपका बड़ा जबरदस्त हिट गया। थैंक यू सो मच। राइट का कैरेक्टर लोगों ने बड़ा पसंद किया है। आपने पसंद किया, बड़ा जबरदस्त। मैं तो आपसे बल्कि सीखना चाह रहा हूँ, मैं सीखना ये चाह रहा हूँ और हम सब सीखना चाहेंगे कि किसी लड़की को अगर आप इंसल्ट करें, उसको बुरा भला कहें, तो वो आपसे दूर भागेगी आपके करीब आ जाएगी? माँ पारा तो आपके करीब आ गई, ये रियल लाइफ में कैसे हो सकता है, जरा सिखाएं हमें। ये रियल लाइफ में मुझे लगता है जरा मुश्किल है, क्योंकि जब आप इंसल्ट कर देते हैं तो फिर वो बात ही खत्म हो जाती है, खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपको रियलिटी में ना रखा हो और आपसे झूठ बोला हो और दोनों से ऐसा हुआ और फिर रियलिटी का पता चलता है, फिर शायद जितनी नफरत हो फिर वो सब भूल जाते हैं आप और फिर आप दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। तो शायद ये स्टोरी का मकसद था टुवर्ड्स द एंड। लेकिन ऐसा होता बड़ा कम है, चांस कम है इसका, क्योंकि असल में ड्रामे में ड्रैग हो जाता है ना, आपको फौरन बात पता चल जाती है कि हकीकत है क्या। ऐसा ही है इधर, तो हम बड़ा टाइम लेते हैं, फिर सोचते हैं अच्छा हाँ ये होगा, फिर ये हुआ, फलाना हुआ, फिर एंड में जाके पता चलता है। तो आजकल तो क्रिकेट सबसे ज्यादा एंटरटेन कर रहा है, पाकिस्तान जब जीता है तो एंटरटेन करता है। मैचेस देखने का मौका मिला, कैसी लगी? बिल्कुल, मैंने जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है वो देखा है पूरी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, बहुत मजा आया पहली बॉल से लेकर लास्ट बॉल तक। Absolutely. और जो एक्साइटमेंट थी, जो थ्रिल था, जो एड्रेनलिन रश था, वो पीक पे था, बहुत मजा आया देख, बहुत मजा आया। हमें भी बड़ा मजा आएगा क्योंकि 500 की दौड़ का मुकाबला आज आपके साथ होगा। देखते हैं कि जो महवेश हयात इस वक्त लीड कर रही हैं उनका स्कोर आप तोड़ पाते हैं या नहीं। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर साहिबा ने आज होना था, डॉक्टर साहिबा कहाँ रह गई हैं? ये जो कहते हैं ना कि डॉक्टर साहिबा फारग हो गई हैं, मैं इनको बताना चाहती हूँ दुनिया का कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर साहिबा को फारग कर सके। आ गई हूँ मैं डॉक्टर साहिबा, इंजमाम उल हक को सीधा करने के लिए बल्ला लेके आई हूँ। यू कैन सी मी ब्रूसली स्टाइल, पकड़ इसको बे, बैट पैड्स, हडूकेन, आ गई हूँ मैं। यू कैन सी मी डॉक्टर साहिबा, क्या कर रही हैं आप पैड्स पहन के? इधर आ, पकड़। आवाज़ दे। इतने बड़े ग्रेट क्रिकेटर हमारे साथ हैं, आप क्या कर रही हैं उनके साथ? बल्ला किधर है मेरा? बल्ला किधर है? बताओ इनसी बड़ा बैट्समैन कौन है? थोड़ी आर्टिफिशियल चीजें गिर रही है नीचे। क्या इसमें हंसने की कौन सी बात है? क्यों क्यों क्या? मुझे भी हंसाओ ना, मैं हंसना चाहती हूँ। मैं इस बात पे हंस रहा हूँ कि आर्टिफिशियल चीजें नीचे गिर रही हैं। ये वैसे आपने जो किया ना ये सही किया, गवर्नमेंट ने भी यही सोचा कि आपको सरहद पे भेजेंगे, अब बॉर्डर पे भेजेंगे आप। नहीं तो डॉक्टर साहब, क्या सियासत से क्रिकेट की तरफ आने का शौक है आपको? अच्छा, सुहेल तनवीर को हंसते हुए देख रहे हैं आप? कितने प्यारे लग रहे हैं, पता है कैसे हंस रहे हैं? कैसे? अच्छा इंजी बताओ, ये गली में शॉट कैसे खेलते हैं जी, ताकि बल्ब ना टूटे गली में? अच्छा, मैंने इंजी से पूछा स्लिप में इतने तेज कैच कैसे पकड़ लेते थे, इंजी कहते थे अगर कैच ना पकड़ूं तो नाक टूट जाएगा। तो आपको वैसे खेलने का शौक है, मैंने अक्सर क्लिप से आपकी बैटिंग देखी है। अच्छा, कोई टिप्स लेना चाहेंगे इंजी भाई से? नहीं, इंजी को अगर कोई टिप्स चाहिए तो मुझे बताओ। ये, आप बैठे आपसे फिर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी पाकिस्तान जीता है जी जी, और हमने न्यूजीलैंड को हराया है। शुएब मलिक सियालकोट का, जिसने मुझसे सीखा है, तो मैं ये कहती हूँ कि सबको मुबारक, बहुत बहुत हो गए। इतनी शादी का मौका था,
आपने उनकी शादी में ताज भी पहनाया था ना, ताज, ताज क्राउन। उसके बाद रिजल्ट देखें टीम किधर पहुंच गई। बड़ा जबरदस्त, कल तो बेहतरीन खेला। अगर आप तशरीफ रखें तो हम क्रिकेट पे बात कर ले। मैं चेयरमैन पीसीबी बन सकती हूँ इंजी। लो आपका तो हक है। रमीज राजा से तो सियाणी हूँ मैं। आप बहुत सियाणी। वैसे वो आप अपनी ना ओरिजिनल चीज उठा लें। चले डॉक्टर साहब, आप मुझे अगर मौका दें तो हम क्रिकेट पे थोड़ी सी बात करें। तो इंजी भाई, आपके दौर में तो हम ये सुनते आए कि यार ऑफ द फील्ड तो सब बातचीत करते थे, दोस्तियां होती थी, इन ग्राउंड जब जाते थे तो फिर बड़ा एक टफ मुकाबला होता था। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि ऑफ द फील्ड बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। क्या वजह आपके ख्याल में, सोशल मीडिया, मीडिया की वजह से ये है या कोई और रीज़न नज़र आता है इसका? ये वैसे ये इतनी अच्छी चीज़ नहीं है कि जिसकी मीडिया की वजह से भी है या जिसकी वजह से भी है। ग्राउंड में इंडिया के साथ हमेशा मुकाबला पहले भी सख्त रहा था, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जी ग्राउंड में किसी ने किसी को मार्जिन देने की कोशिश की हो, लेकिन बाहर हमारी दोस्ती होती थी। जिस तरह शारजा बहुत ज़्यादा खेलते थे, एक ही होटल में होते थे, तो रात को प्लेयर्स जो है ना एक ही कमरों में होते थे, क्योंकि जी बैठ के आपस में गप मारते थे, एक दूसरे से बड़ी अच्छी होती थी। लेकिन सुबह उसी तरह मैच में ना बिल्कुल आंखें माथे पे होती थी, वो ठीक था। लेकिन यानी कोई चीज़ इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जी अगर हम जिस तरह ये सोशल मीडिया पर आके इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं या इस तरह बोल रहे हैं, ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि यदि चीज़ है ना, हम दोनों मुल्कों के दरमियान है ना, ये टेंशन का बाइस भी बन रही है, और जो हमारी क्रिकेट दूर होती जा रही है तो उसमें भी एक बहुत बड़ा रीज़न इन चीज़ों का है। और मैं आपको बताऊँ कि इंडिया और पाकिस्तान का जो उनका गेम है ना, वो एशेज से भी ज़्यादा देखा जाता है, कि लोगों का इंटरेस्ट उसमें भी ज़्यादा होता है। तो हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए कि जिससे हमारा आपस में खेल ना हो सके, क्योंकि ये वो चीज़ है जो सारी दुनिया सारों से ज़्यादा मिस करती है। जो क्रिकेट फैंस हैं वो सारों से ज़्यादा देखना चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान खेले। और मैं एज ए प्लेयर आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि जिस टाइम यहाँ पाकिस्तान में सीरीज़ हो रही थी, इंडिया 15 साल के बाद पाकिस्तान आ रहा था, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है प्लेयर्स पर भी, लोगों पर भी। तो अगर हम रेगुलर सीरीज़ खेलनी चाहिए हमें, क्योंकि जी हमारे जो भी हालात हैं उसके बावजूद रेगुलर सीरीज़ खेलनी चाहिए, और उससे आप देखना कि जी बहुत अच्छा माहौल हो जाएगा दोनों तरफ का। सही है, तो ज़रा दिखाते हैं कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हरभजन को, क्योंकि हरभजन बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि पाकिस्तान को चाहिए कि वॉक ओवर दे दें क्योंकि उनका कोई चांस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान 10 विकेट से जीता। इसके बाद कुछ ट्वीट्स आमिर ने किए, फिर हरभजन ने किए, तो आमिर की तरफ से जो तनकीद आ रही थी वो आपको दिखाते हैं, जिसमें वो बात कर रहे थे हरभजन के बॉलिंग स्टाइल की। उन्होंने ट्वीट में आपने लिखा कि आप बहुत ढीठ हैं, 3 दिन पहले मैच हारे हैं, उसके बावजूद आप जो है वो हम पे तनकीद कर रहे हैं। उनके बॉलिंग एक्शन के बारे में कहा कि वो इलीगल था। दूसरी तरफ से हरभजन जो है वो उनको कह रहे हैं कि फ्रॉम फिक्सर टू सिक्सर, क्योंकि एक मैच में जब मोहम्मद आमिर के ऊपर फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगा था तो उसका वो हवाला दे रहे हैं। तो इन अ वेरी बैड टेस्ट के दो एक्स क्रिकेटर्स, दोनों ने अपनी मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दी, वो इस तरह करें मुकाबला एक दूसरे से ट्विटर पे। मुझे भाई, कभी ऑफ द फील्ड भी किसी से झगड़ा हुआ आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल नहीं। जैसे इंजी ने बड़ी अच्छा डिस्क्राइब किया है कि हमारी लड़ाई होती थी ग्राउंड के अंदर, और ये बीइंग रोल मॉडल आई थिंक हमें एक्टिंग ऐसी करनी चाहिए, हमारे एक्शंस ऐसे होने चाहिए, हमारे वर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि यूथ में जाके इम्पैक्ट डालें, क्योंकि जो यंग जनरेशन होती है, जो लोग हो रहे थे, हमारे एक्शंस को बहुत फॉलो करते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, चाहे वो कोई भी हो, हमारी, मैं जैसे इंजी ने कहा ना कि हमारी लड़ाई होती थी ग्राउंड के अंदर, एक दूसरे लड़ते थे, उसके बाद मूव ऑन करके शाम को खाना खा रहे होते थे। ये सोशल मीडिया की जो जंग है ना, आई नो इट्स वेरी attractive in a sense of you know like जो बड़ा impulsively आप react करते हैं, you know like you engage people ना, पर ये negative हो रहा है, ये positive नहीं हो रहा। तो being I think जो हरभजन की तरफ से भी, आमिर की तरफ से भी, जितने भी हमारे ex cricketers हैं या recent cricketers हैं, वो उनकी जो language और उनका जो लिखना पढ़ना जो बोलना है ना, वो matter करता है nations के लिए। तो आई थिंक दे शुड बी वेरी केयरफुल ऑन दोस। तनवीर, किसी से ऑफ द फील्ड आपका झगड़ा हुआ या कभी जो फील्ड पे रहता था उसके बाद वो बाहर नहीं नजर आता था? नहीं, हम कभी, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। और मेरे ख्याल में दोनों इंजी भाई और मुशी भाई ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया। देखिए, हम एज ए क्रिकेटर चीज़ों को करीब लाना चाहिए हमें, वो चाहे ग्राउंड में हो, क्रिकेट खेल के लोग इंजॉय करें उसको, और उसके ऑफ द फील्ड भी हमारी एक एक कई हुई बात जो है ना, वो लाखों लोगों तक जाती है, इम्पैक्ट क्रिएट करती है, वो चाहे इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो। तो हमें ऐसी बात करनी चाहिए जो कि लोगों को करीब लेके आए, ना कि दूरियाँ बढ़ाए। वो चाहे इंडियन प्लेयर हों चाहे पाकिस्तानी हों, आई थिंक के डिसेंट रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ये जो मैं अभी लैंग्वेज देख रहा था, आई थिंक इट्स नॉट डिसेंट।
सूट नहीं करती किसी, वो चाहे आमिर हो चाहे हरभजन हो, दोनों को सूट नहीं करती। और जब मैच के बाद हमने देखा कि दोनों टीम्स के प्लेयर exactly, अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, बड़ा एक रोल मॉडल की तरह वो सामने आए। स्पिरिट देखना है तो आप देखें धोनी, कोहली, बाबर, शाहीन शाफरीदी, हमारे शुएब मलिक वहाँ खड़े हैं, आपस में बात कर रहे हैं। कोहली, मैं स्पेशली प्रेज करूंगा कोहली को, द वे ही केम एंड मीट आफ्टर द डिफीट। बिल्कुल सही, आप समझ सकते हैं कि एज ए कैप्टन जब आप इंडिया पाकिस्तान का मैच हारे हों तो आपके ऊपर कितना प्रेशर होता है, बट उसने वो जेस्टर शो नहीं किया, वो आया उसने प्रेज किया एंड दैट्स द राइट वे। कल एक और कंट्रोवर्सी भी है, शुएब अख्तर को जो है प्रोग्राम से जाने का कहा डॉक्टर नुमान नियाज ने, जो टीम के साथ भी रह चुके हैं, एंकर भी हैं, और इसके बाद शुएब अख्तर ने फिर लाइव जो है वो रिजाइन कर दिया। हम जरा क्लिप भी दिखाना चाहते हैं ताकि कॉन्टेक्स्ट इसका क्लियर हो जाए कि जब सवाल हुआ शुएब अख्तर ने, शुएब अख्तर क्या जवाब दे रहे थे, जिस पे डॉक्टर नुमान नियाज ने ये कहा कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं क्योंकि आप जो है वो रूड हो रहे हैं। तो कल ये एक लाइव प्रोग्राम में हुआ, ब्रेक के बाद आए और उन्होंने कोशिश की कि बताएं कि हम तो मजाक कर रहे थे, टीआरपीज के लिए कर रहे थे, लेकिन वो मजाक ज्यादा देर चला नहीं। और जब दोबारा शुएब से सवाल हुआ तो शुएब ने कहा कि मैं रिजाइन करता हूँ। वो क्या क्लिप था जरा देखिए, शुएब अख्तर फिर रिजाइन करके चले गए। शुएब अख्तर हीरो हैं पाकिस्तान के लिए, बड़ी उनकी खिदमात हैं, पूरी दुनिया में उनको हीरो कंसिडर किया जाता है। उनको ये कहना लाइव प्रोग्राम में कि आप शो से चले जाएं, इसके बाद जो रिएक्शन आ रहा है तमाम लोग ऐसा लग रहा है कि शुएब अख्तर को सपोर्ट कर रहे हैं और मजम्मत कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि डॉक्टर नुमान ने ऐसा क्यों किया। क्या लगता है मुशी भाई कि अगर शायद कुछ उनको लगा कि उनके जवाब में थोड़ी सी रूठने से, एंकर को तो हैंडल करना चाहिए मामला, एक टेस्ट क्रिकेटर को, एक स्टार को ये कहना कि आप लाइव शो से उठ के चले जाएं, मेरे ख्याल से पब्लिक ने तो सपोर्ट नहीं किया डॉक्टर नुमान के इस रवैये को। लेट अलोन द स्टार्स अलोन एक साइड पे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपके घर में कोई भी मेहमान आता है, कोई भी बंदा आता है, आप उसकी इज्जत करते हो, उसकी बातों को आप बेयर करते हो अगर वो रूड भी है तो। आई थिंक डॉक्टर साहब को थोड़ा सा वाइजली इसको हैंडल करना चाहिए था, डॉक्टर नुमान को। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है शहजाद, ये हमारी नेशन में ये कल्चर डिवेल्प होता जा रहा है, कोई भी पोलिटिकल शो आप उठा के देख लो, पीपल बिकम सो रूड, यू नो, एक दूसरे की इवन दे गो एंड ब्लो द बेल्ट भी चले जाते हैं। और ये अच्छी चीज़ नहीं है बीइंग अ नेशन। हम यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं, यू नो, जस्ट इमेजिन दैट। आई थिंक ये शुएब अख्तर हमारा सुपरस्टार है, उसने पाकिस्तान को सर्व किया है, डेफिनेटली अच्छी बात नहीं है। ये जो कम्युनिकेशन हुई है ब्रेक के टाइम, जब एक ब्रेक ली गई है उसी वक्त, उस वक्त आई थिंक जो इर्द गिर्द के लोग थे उनको प्ले करना चाहिए था अपना रोल, उनके उनकी कम्युनिकेशन करवा के उसी वक्त फ्रस्ट्रेशन को निकालना चाहिए था और उसके बाद कंटिन्यू करना चाहिए था। जी भाई, इतना बड़ा दिन, पाकिस्तान दूसरा मैच जीता, डेविड गावर, विविन रिचर्ड स्टूडियो में बैठे हुए हैं, पूरा मुल्क आपको देख रहा है, स्टेट टेलीविजन पर है, कुछ अगर हो भी गया तो मैनेज किया जा सकता था, किसी को लाइव प्रोग्राम में ये कहना कि आप उठ के चले जाएं, जो एक स्टार है, आपके मेहमान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप, इसी तरह होना चाहिए था, बेशक पाकिस्तान मैच जीता हो या ना जीता हो, अगर लाइव इस तरह की चीज़ हो जाए तो उसको मैनेज करना चाहिए और बिल्कुल इस तरह का जेस्चर नहीं देना चाहिए। अगर आपको उसकी कोई बात बुरी लगी थी, आपने जो वक्फा लिया था, ब्रेक लिया था, वो आप उससे पहले भी ले सकते थे, 10 सेकंड पहले भी ले सकते थे, उसमें कर सकते या शो पर आप इतना कह देते कि आप रूड हो रहे हैं ना हो, तब भी मेरे ख्याल से एक एहसास हो जाता है, लेकिन उठने जाने का कहना। मैं मुश्ताक की इस बात से एग्री करूंगा कि जी हम लोग है ना, जो क्रिकेटर्स भी हैं, बास टाइम खेलने वालों के मुतल्लिक भी है ना, बैठ के यहाँ बहुत रूड्स वर्ड्स है ना यूज़ कर देते हैं कि जो इतने मुनासिब नहीं होते, तो हमें भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। लेकिन इस तरह की चीज़ है ना टीवी पे, इस पे, सारों पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मैं भी इसी, अभी जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि जी हरभजन की और आमिर की, कि अभी पिछले दिनों जिस टाइम मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, सचिन ने भी ट्वीट किया था, तो सारों ने यहाँ इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। यहाँ हम सोशल मीडिया वगैरह पर जाते हैं कि जी हमें क्राउड बहुत मिलता है उधर, के जी लोग बहुत सुनते हैं। अगर हम अच्छी बात करेंगे तो अच्छी बात बहुत सारे लोग सुनेंगे, और बुरी बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों में बुरी बात फैलेगी। तो इसको ज़रा एहतियात करनी चाहिए, वरना ये वाली चीज़ जो आज हुई है ना, ये वाली चीज़ ये कल नहीं हुई, इसको ये एक बेस बनती रही है, ग्रेजुअली होती हुई आई है, होती हुई आई है, तो जिसका रिजल्ट ये निकला है कि जी, और इसको कंट्रोल करना चाहिए, सारों को कंट्रोल करना चाहिए, इस पे जरूर एक्शन लेना चाहिए, जो कमेटी बनी है वो जरूर इस पे डिसीजन ले रहे हैं और बिल्कुल फेयर होके ले डिसीजन। फवाद चौधरी साहब ने कमेटी जो है बना दी है, अली जैदी साहब का भी ट्वीट आया कुछ देर पहले कि इनको माफी मांगे, वरना डॉक्टर नुमान को निकाल देना चाहिए। सो योर टेक ऑन दिस? वेल ऑब्वियसली सुबह से इस टॉपिक पे बात हो रही है, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, मतलब मैं इसको इन अ लार्जर पिक्चर देखता हूँ कि देखें शुएब भाई भी पाकिस्तानी हैं, डॉक्टर नुमान वर्ल्ड को एक अच्छा मैसेज नहीं गया, हमें एज ए पाकिस्तानी नेशन जो है ना, हमने वर्ल्ड को एक अच्छा मैसेज नहीं दिया।
विवियन रिचर्ड वहाँ बैठे हुए हैं, डेविड गावर बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया देख रही होती है, तो ये अच्छे तरीके से हैंडल हो सकता था। मेरे ख्याल में जो हमारे आगे मुशी भाई ने भी बात की ना, सोसाइटी में अदम बर्दाश्त का बड़ा जो है ना वो अब आप देखें कि लोगों में बर्दाश्त बड़ी कम हो गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो डेफिनेटली होनी चाहिए, बट उसका आई थिंक अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारे अंदर। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो आपको अलाउ नहीं करती कि टू इंसल्ट समवन, ठीक है, आप अपनी बात कह सकते हैं, बट दूसरे की इज्जत को भी महफूज नज़र रख के आप अपने इजहार राय आपको करना चाहिए। ये नहीं है कि आपको हक है कि आप किसी की भी उठ के इंसल्ट कर दें। सो आई थिंक ये आपको ओवरऑल हमारी सोसाइटी में नज़र आएगा। आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, आप कोई कमेंट करें उसके नीचे आपको 10 अच्छे कमेंट भी मिलेंगे और 10 ऐसे होंगे जिनको शायद हम यहाँ पे बैठ के डिस्कस करने की है। ये हम क्रिकेटर्स का ये फर्ज बनता है क्योंकि मैं और यहाँ पर ये लूडो खेलने के लिए आई हूँ। इनसे क्या हो गया आप? अच्छा आप क्या सिखा रही हैं क्रिकेटर्स को? आपने तो पता नहीं हाथ भी उठाया हुआ है शोज पर। तो फिर उठा सकती हूँ, उठाऊं? देखा आदम बर्दाश्त की यही बात हो रही है। आदम बर्दाश्त नहीं, मैं खवातीन के लिए मैसेज मैंने ये दिया है। आप स्पोर्ट्समैन हैं लेकिन बॉक्सिंग की? जी कराटे बॉक्सिंग। तो हम क्रिकेटर्स का हमारी बात दुनिया सुनती है। मैं हुई, शुएब अख्तर हुई, इंजमाम हुए, मुश्ताक अहमद हुए। मुश्ताक अहमद के मुझे आज भी फ्लिपर याद हैं जिस वक्त, ये इतनी कमांड थी। मैंने सुना आप तो वॉशरूम में स्लीपर्स नहीं फ्लिपर पहन के जाते हैं। वो इसलिए कि इनके दो स्लीपर आप उठा के ले गई थी ना। ये क्या, ये मुझे बताइए ये क्या चक्कर है? मैंने मुश्ताक अहमद को कहा है तो जॉनसन इंजी ने क्यों दिफा फौरन किया? दो जिस्म एक जान है। डॉक्टर साहब टीम एफर्ट है ना, टीम एफर्ट है। दो ही की टीम एफर्ट है, ये तीसरा क्यों नहीं? यही यूनिटी सियासतदानों में भी होनी चाहिए, लेकिन आपकी तो अपनी पार्टी में नहीं नजर आती वो यूनिटी। लेकिन देखिए मैंने रिजाइन किया ना, पब्लिक मेरे लिए भी खड़ी हो गई थी। चले मुझे अब एक ब्रेक लेने दें और इस ब्रेक के बाद हम खेलेंगे अली अंसारी के साथ 500 की दौड़ और 444 स्कोर है महवेश हयात का, जो देखते हैं कि अली अंसारी आज बीट कर पाते हैं नहीं। बड़ा अच्छा खेलना पड़ेगा इसके लिए, तो एक ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। जनाब वेलकम बैक टू जस्ट ए क्रिकेट विच इज प्रेजेंटेड बाय कैडबरी पेप्सी सर्फ एक्सेल एंड सेंसोडाइन। गेम शुरू करने से पहले, 500 की दौड़ शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि हर व्यूअर 1,00,000 रुपए जीत सकता है गो लूटो की जानिब से। आपके स्क्रीन पे QR कोड मौजूद है, अपने मोबाइल से आप इस कोड को स्कैन कर सकते हैं और 1,00,000 रुपए जीत सकते हैं, जिसके लिए जरूरी है कि आप अपने मोबाइल पर जो ऐप है गो लूटो की ऐप वो डाउनलोड करें, तो आप 1,00,000 रुपए जीत सकते हैं। अली अंसारी आज हमारे मेहमान है और ये खेलेंगे 500 की दौड़। Let's do this। तैयार हैं? नर्वस तो नहीं है? नहीं बिल्कुल। वैसे आपको प्रोफाइल पढ़ा था ना, मुझे सिकू भाई याद आ गए, क्योंकि आपने कहीं एक इंटरव्यू में कहा है कि आपको 5-6 मर्तबा मोहब्बत हो चुकी है। मैंने कहा है कि मुझे 5-6 दफा मोहब्बत हो चुकी है। जी और दिल भी आपके 2-3 मर्तबा टूटे, तो मुझे सिकू भाई याद आ गए कि वो भी। अच्छा? मेरे ख्याल से मैंने ऐसे बोला था। अच्छा मुझे खुद नहीं याद मैंने कब बोला था। उन्होंने थोड़े बताए या ज्यादा बता दिए? मुझे लगता है उनका शायद रिकॉर्ड ज्यादा होगा मुझसे। इंजीनियर पूछे मैंने कम बता दिया ज्यादा बता दिया? नहीं आपने कुछ ज्यादा ही बताया। ज्यादा ही बता दिया। अच्छा। चले जब मैंने वो पढ़ा पता नहीं सही है नहीं आपके बारे में, लेकिन मैं सिकू भाई याद आ गए। सिकू भाई भी ये कहते हैं कि फौरन मोहब्बत हो जाती है मुझे। चले गेम के रूल्स बड़े सिंपल है, 5 सवाल होंगे, यानी कि मैक्सिमम आप 500 स्कोर कर सकते हैं। हर सवाल के मैक्सिमम पॉइंट्स 100 है। एक आवाम का जवाब होगा, एक आपका जवाब होगा। अगर आपका जवाब आवाम के जवाब के बिल्कुल एक्यूरेट होगा तो 100 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज जितना आपका जवाब आवाम के जवाब से दूर होगा उतने नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। एंड यू हैव टू बीट महवेश हयात 444 जी, मुश्किल टारगेट है। तो अगर आप चले जी, लेट्स स्टार्ट। टाइम कम है, मुकाबला सख्त है और पहला सवाल हमारा 500 की दौड़ का है। कितने फीसद मर्दों के मोबाइल का पासवर्ड उनकी बीवी को मालूम होता है? ओए ओए क्या सवाल पूछा है। भाभी मैं आपसे पूछूंगा पहले। अच्छा 100% लाइफलाइन हो सकती है ना? अली की अभी रिसेंटली एंगेजमेंट हुई है 4-5 माह पहले सबूत से, तो पासवर्ड शेयर कर दिया आपने पहले ये बताइए? हाँ ऑफ कोर्स पासवर्ड शेयर कर दिया, ब्रेकिंग न्यूज़ है जी, नॉर्मल सबूत के साथ पासवर्ड शेयर कर चुके हैं। तनवीर साहब हेल्प करें। एक फोन गाड़ी में होता होगा फिर। नहीं अलग शुक्र है ऐसी सिचुएशन नहीं आई अभी। बोलो तो पासवर्ड आपने शेयर कर दिया? पासवर्ड शेयर किया, लेकिन और कितने मर्द क्वेश्चन है कि कितने परसेंट लोगों ने शेयर किया हुआ है मोबाइल का पासवर्ड उनकी बीवी को मालूम होता है? मालूम होगा एक्यूरेटली एक्यूरेटली जी भाई पासवर्ड मालूम ने बताया हो ना लगाया है
आपने बताया हो ना हो उनको पता होता है, उनको पता होता है। एनजी भाई पासवर्ड पता है? बिल्कुल पता है, पता है भी, चेंज भी खुद ही कर देते हैं जब क्या बात है मतलब नहीं आप सवाल ही उठा कर रहे हैं ना, आप एनजी भाई से पूछेंगे मुशी भाई को पता है आपका पासवर्ड क्या है? आप पासवर्ड सेट करती हैं या पासवर्ड पता करती हैं? मैं अच्छे अच्छों को सेट कर लेती हूं। चलिए वक्त आ गया है आपके जवाब का। चलिए जी परसेंटेज अगर लगाएं तो लेट्स गो अप्रोक्सीमेटली अप टू 78%। 78% आपके ख्याल में मर्दों का पासवर्ड पता होता है उनकी बीवियों को? डेफिनेटली, अगर बीवी है तो फिर, अगर गर्लफ्रेंड होती तो शायद ना पता होता, लेकिन अगर बीवी है तो फिर 78% पे आना चाहिए। जरा लॉजिक आपकी, एक लॉन्ग लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट है आपका। आई थिंक ये याद रखना कि गांव में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है, जरा ये ज़हन में ज्यादा लग रहे हैं, ज्यादा आप ज्यादा चले, तो मैं ज्यादा चला गया आपको लग रहा है, थोड़ा सा गांव वाले पासवर्ड भी नहीं लगाते। तो रोकते 78 पर, अगर मासेस को अगर हम ले लें इनटू कंसीडरेशन तो फिर ऑब्वियसली फिर मेरा नंबर बहुत ज्यादा हाई है, तो इसको फिर हम कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 50+ कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं? अच्छा मैं वैसे बता दूं, आप जिसका मशरा मान रहे हैं ना, ये अभी तक जितने भी आए ना सबसे लोएस्ट है। चले अली टाइम नहीं यार, मैं अपने ओरिजिनल डिसीजन के साथ जाऊंगा। 78% पे रोक दीजिए, 78% है अली का जवाब। वो समझते हैं कि 78% मर्दों का मोबाइल पासवर्ड उनकी बीवियों को मालूम होता है, तो 78 पे रुक गया है। अब देखते हैं कि आवाम का जवाब क्या है। बार मूव हो रहा है और देखते हैं कि कितने फीसद पर यह जाकर रुकता है। 78% आंसर है, आवाम का जवाब है 63%। 63% पे बार रुका है, यानी कि 15% का फर्क है। मैं 66 पे आने वाला था वैसे। 85 में। और अभी आपकी क्योंकि एंगेजमेंट में, मुझे एक बात बताइए, अभी सबूर का एक ड्रामा है जिसमें बड़ी जिद्दी लड़की का वो कैरेक्टर प्ले कर रही है, अमानत जी, बिल्कुल जिद्दी कैरेक्टर। जी बिल्कुल। तो नेचुरल एक्टिंग कर रही है या एक्टिंग? माशाल्लाह नेचुरल एक्टिंग तो वो करती हैं। अच्छा, एंड शी इज अ फिनोमिनल परफॉर्मर। आप कह रहे हो वो असल में भी जिद्दी है? नहीं नहीं, असल में ऐसी नहीं है, नेचुरल एक्टिंग कर रही है। नेचुरल एक्टिंग एज इन एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, नेचुरल परफॉर्मेंस नहीं, एक्टिंग कर रही है उसमें। डेफिनेटली एक्टिंग परफॉर्म कर रही है उसमें, फंसा देता हूं मैं अक्सर। नहीं आप खुद फंसे। दूसरे सवाल पे आ जाइए, कितने लोगों का ख्याल है कि बसंत पर से पाबंदी चाहिए, बसंत पर पाबंदी खत्म हो, मतलब एज इन के बैन है अभी बसंत पर, पिछले 10 साल से क्या है बसंत पर बैन है। बसंत, अच्छा ठीक है, बसंत पे लाहौर में खास तौर पे, पंजाब में ज्यादा होती थी, अब बैन है पिछले 10-12 साल से। कितने फीसद लोग आप समझते हैं चाहते हैं कि पाबंदी खत्म हो जाए, यानी कि वो बसंत के हक में है? या बसंत तो बसंत है, तो ऑब्वियसली जो कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं उसका बड़ा मसला है जी, क्योंकि डेथ्स होती हैं, बड़े मसले होते हैं। तो अगर इस चीज को कंट्रोल किया जाए, अगर कंट्रोल किया जाए तो आई गारंटी दैट ऑलमोस्ट 90+% पीपल विल वांट इट बैक। 90% एनजी भाई अग्री नहीं करते आपकी बात से, पीपल विल वांट इट बैक, लेकिन ऑब्वियसली अगर कॉन्सिक्वेंसेस को कंट्रोल किया जाए। अभी तो देखिए कॉन्सिक्वेंसेस है, इसीलिए बैन किया, अब तो काफी टाइम से बैन किया है, लेकिन जब बैन नहीं था तो क्या माहौल होता था? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आपने कहा कि काफी अरसे से बैन किया है, तो आपने ये भी रखना है ज़हन में कि अब लोग थोड़ा सा यूज्ड टू हो चुके हैं कि बैन है। मैं एक काम करता हूं, 90 ज्यादा कर दिया, लेट्स गो टू 83। बहुत हाई परसेंटेज है, हाई परसेंटेज है, बिल्कुल है। मैं तो 90 पे जा रहा था, मैं तो जरा थोड़ा और नीचे कर लें, और नीचे कर लें, अच्छा है, मतलब क्योंकि चले 80 कर लेते हैं, थोड़ा सा और भी जाया जा सकता है। खैर 75 पे रुक गया तो 5 का मार्जिन होगा। खैर अली ये तो सब्जी वाली बार्गेन होगी, 83 से 80 वाला नेगोशिएट। मुझे कुछ दिन पहले कोई कह रहा था आपकी नेगोशिएशन स्किल्स बड़ी अच्छी हैं। अच्छी है, हाँ, तो फिर और नीचे आ। मैं नहीं, मैं नहीं नीचे जा रहा। चलिए जी, नहीं नहीं, लेट्स गो फॉर 80% लोग ये समझते हैं, बोल रहा था मैं कि लोग बसंत पर पाबंदी खत्म करना चाहते होंगे, तो 80% जवाब है इंदी भाई ने कहा, वो चाहते होंगे कि वापस आ जाए ना, वापस आ जाए, जी जी, बसंत के हक में 80%, ठीक है। मुशी भाई ने भी कहा बहुत हाई है, एंकर ने भी कहा कि थोड़ा नीचे कर ले। अब देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है। लेट्स डू दिस। अवाम का जवाब है 16%, 16% जी, बिल्कुल। ये तो मैं भी शायद तो बाजी ले गई, इस वक्त बाजी ले गई, बाजी ले गई, खत्म करें जी। अली आप इनिंग डिक्लेयर कर रहे हैं, आप इनिंग खत्म डिक्लेयर कर रहे हैं। ये तो वैसे बहुत लो परसेंटेज है, बहुत लो है, क्योंकि आपने खुद आप सही पहुंचे कि एक तो बहुत अरसे से बैन है तो लोग यूज्ड टू हो गए हैं, दूसरा जो डेथ्स होती है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, तो मासेस ऑब्वियसली शहरों में तो नहीं रहते, रूरल एरियाज में भी है। डेफिनेटली चलें, कोई बात नहीं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। और ऊपर से महंगाई भी बहुत तेज हो गई है, महंगाई भी बहुत तेज हो गई है, तो अपने तीसरे सवाल पे। हाँ जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है,
कितने फीसद लोग जिन और भूत से डरते हैं, जिन भूत से या जिन और भूत से डरते हैं? अब आपका ड्रामा था छलावा, 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 जो के इसी तरह की स्टोरी, जी जी, हॉरर स्टोरी, बिल्कुल हॉरर के ऊपर था। आप डरते हैं खुद, डरते हैं खुद जिन और? हाँ हाँ, कहीं ना कहीं तो हालत टाइट होती है। मैं भी डरता हूँ, भूत से तो नहीं डरता, तो ये तो कहने की बात है, ऐसे ही बता। इस तरफ क्या, कोई अगर आप ऐसे बल्ला घुमाएगी तो डरूंगा ना मैं आपसे, जरा बताएं। अभी स्पोर्ट्समैनशिप दिखा रही हूँ। तो वरना क्या करती आप? वरना क्या करना था, कुछ नहीं, चुप होकर बैठी होती, मैं क्या कर सकती हूँ। चले जी, आप अभी जो कराटे खेल रही थी वैसे अच्छा, हम क्योंकि जल्दी दिखे रहे, मुझे भूतों से कभी वास्ता पड़ा, जिन भूत से? बचपन में काफी, हमारे गांव का रहने वाला हूँ मैं, तो बचपन में काफी स्टोरियां सुना करते थे, और अच्छा। जब नींद नहीं आती थी तो घर वाले भूतों से नाम लेके सुनाते थे कि भूत आ गए। तो डरते जिन भूत से? हाँ, डेफिनेटली। सोल भाई, मैं जहाँ रहता था ना बचपन में, वहाँ रास्ते में कब्रिस्तान आता था, तो रात में जब बाजार जाना होता था तो वहाँ से गुजरते हुए आंखें बंद करके तो तेज करके निकल जाते, तो ऑब्वियसली डर तो आपको लगता है। अच्छा शिदार, क्विकली सॉरी, इंजी ने ऑस्ट्रेलिया के टूर पे मुझे सच्ची मुची डरा दिया था और सच्ची मुची एक्टिंग की थी कि जिन मेरे अंदर आ गया और मैं कमरा छोड़ के भाग गया था। और इस चीज लेके यार, ये तो बड़ा जबरदस्त वाक्य है, मैं किसी और मौके पे सुन सकूंगा क्योंकि आज हमारे पास वक्त कम रह जाएगा गेम का। तो क्या समझते हैं? अच्छा जी, मुझे तो लग रहा है परसेंटेज हाई होगा इस पे। 95% इंजी भाई ने बोल दिया। सोच ले दोबारा, कंपेटिटर है आपसे मुकाबला। नहीं नहीं नहीं, खैर कोई नहीं, आपने पहले पिच पे खिला दिया था। 95 थोड़ा नीचे आ जाए, मेरे ख्याल से 80 करें, 80 कर दें। हां जी चलें, ठीक है 80 कर ले, 80 हो जाए। 80% लास्ट टाइम भी 80 आया था मैं, अभी आई थिंक इट्स टू हाई, लेकिन मुझे लगता है हां चलें आई है। जी जी 80, वो असल में क्या बात है, वो जिस तरह होता ना कि जो बीवी से डरते हैं वो उस लाइन में खड़े हो जाए, तो कुछ लोग दूसरी लाइन में खड़े हो गए थे, उन्होंने कहा कि ये भी बीवी ने कहा था। तो जो कहते हैं ना कि हम नहीं डरते, तो वो असल में ना बता रहे हैं। तो 80 पे आपका आंसर लॉक कर दिया है, लेकिन क्या ये जवाब दुरुस्त है और आवाम के जवाब से करीब है, इसका फैसला एक ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे मेहमान हैं अली अंसारी जो कि खेल रहे हैं 500 की दौड़, और तीसरा सवाल था कि कितने फीसद लोग जिन और भूत से डरते हैं। तो 80% आपका जवाब था, अब देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है और आपका जवाब अवाम के जवाब से कितना करीब है। 61% यानी कि 10 में से 6 लोग जिन और भूत से डरते हैं। शायद ये वजह हो जो सुहेल तनवीर ने कही थी कि लोग डरते हैं लेकिन बताते नहीं, बट जो सर्वेज होते हैं उसमें यही है कि 61%। सो आप नॉट बैड, 19 आपके इसमें कटे, 81 आपको मिले हैं। चौथा सवाल यह है, कितने फीसद मर्द सफेद बाल छुपाने के लिए रंग लगवाते हैं? सफेद बाल लिए रंग लगवाते हैं। आपने एनजी भाई की तरफ क्यों देखा? मैं सबको देखा है मैंने। यूं करके नहीं, सबको ना देखे ना, मर्दों को देखा। हाँ, वैसे औरतें तो डाई कर ही लेती हैं अपने बाल, वो तो खैर है। वो जो आर्टिफिशियल वाली बात की थी वो हटा दो, लेकिन आई बिलीव जी भाई आप क्या सजेस्ट करेंगे, 70-90% के दरमियान तो परफेक्शन होनी चाहिए ना, तो हम इसको जरा 88 पे लॉक करें। 88 पे लॉक, बहुत ऊपर ही 88 पे लॉक। आप बचपन में, आपके ग्रेड्स अली बहुत अच्छे आते होंगे, 80 90, क्योंकि आप ऊपर ही रहते हैं हमेशा। हां, ऊपर रहना चाहिए, ऊपर से भी आना चाहिए और ऊपर भी रहना ही चाहिए, ऊपर ही रहना चाहिए। ये आपकी ख्वाहिश थी वो आई नहीं मेरे ख्याल में। सफेद बाल तो कुछ शायद आप लोग की आपस की बात है। नहीं नहीं, इंजी कह रहे हैं कि शायद आपकी ख्वाहिश थी कि 80 90 मार्क्स। हां मेरे नहीं है, नहीं नहीं, मैं नहीं नहीं, इनके अली का कह रहे हैं, अली की तो आ गए। और दिखाइए कि अवाम का जवाब क्या है और अली का जवाब अवाम के जवाब से कितना करीब है। कितने फीसद लोग सफेद बाल छुपाने के लिए रंग इस्तेमाल करते हैं या रंग लगवाते हैं? वैसे तो फैशन के लिए भी आप लगवा सकते हैं, लेकिन सफेद बाल छुपाने के लिए 74, well played, 99, एक रन से सेंचुरी रहेगी। यही स्कोर अगर पहले आपके सवाल में आ जाते तो वैसे क्या फीलिंग होती होगी 99 पे आउट होते हुए? मेरे एक दोस्त था, वो खेल रहा था, वो 99 पे आउट हो गया, आउट होके बाहर आ रहा, वापस कम रह गया। सॉरी। अच्छा जी, लास्ट सवाल, कितने फीसद लोग समझते हैं कि अगली हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी? आपने कहा था कि अगली बार भी मैं पीटीआई को वोट दूंगा,
तो आपको क्या लगता है आवाम क्या सोचती है? मैंने ये कहा था जी जी आप को याद नहीं रहता आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा मैंने ये कहा था मैंने कब कहा था कब कहा था? अच्छा चले आई बिलीव 50% 50% 50% 50-60 के दरमियान आप क्या कहेंगे? ठीक है मेरे ख्याल में 50 आप क्या कहेंगे? 50% 40 लेट्स टेक विद 50% 50% इनका जवाब है लॉक कर दीजिए इसको 50% पे और बताइए कि आवाम का जवाब क्या है। बार मूव होना शुरू हो चुका है बार 100% पे गया नीचे आया और ये डब लॉक अब देखते हैं कि रुकता कहां है 24% लोगों का ये नहीं बनेगा नया पाकिस्तान कि वो अगली बार भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वोट देंगे। तो आपका टोटल स्कोर जो है 381 या ये चार सवालों के जवाब पे है 375 आपका चले नॉट बैड है नॉट बैड मुशी भाई को आपने बीट कर दिया नॉट बैड मुशी भाई को बीट किया हाँ बट वेल प्लेड अली बहुत शुक्रिया आने का बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके आपके साथ खेल के बेटर लक नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच थैंक यू इंजी भाई मुशी भाई सोहेल और डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे क्रिकेट भी बात करेंगे बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स से बात करेंगे पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में फेवरेट है तो उस पर भी बात होगी क्योंकि परसों मैच है अफगानिस्तान के साथ तो कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी जश्न क्रिकेट में एक नए मेहमान के साथ।